अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा, मज़ेदार सा नींबू पुदीना ड्रिंक शेयर कर रही हूँ। अब जैसे ईद में भी मुख्तलिफ तरह के लवाजमात और हैवी खाने आप सब लोगों ने खाए होंगे, तो इन सबको हज़म करने के लिए ये बेहतरीन ड्रिंक है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और पुदीने के ये देखें, मैंने पत्ते लिए हैं। पुदीना तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मिंट लीव्स कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मैदे के लिए और पेट की जो गर्माइश होती है उसको दूर करने के लिए बेहतरीन है। मैदे पे जो बोझ वगैरह हो जाता है और पेट फूला फूला सा रहता है, तो उसके लिए पुदीने के पत्तों का ये ड्रिंक बहुत ज़बरदस्त लगता है, आपने ज़रूर बनाना है। और इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है गर्मियों में, ख़ासकर इसको ले कर आप एकदम कूल कूल हो जाएंगे, अंदर से मैदा आपका एकदम ठंडाया हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीने के पत्ते मैंने लिए हैं, इसके लिए लीमू लिया है, स्क्वीज़ कर लिया है मैंने, 2 लेमन है ये। चीनी लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और काला नमक। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्लेंडिंग जग में आप मिंट लीव्स डाल दें, पुदीने के पत्ते फ्रेश मिंट लीव्स हैं ये, साथ ही साथ पानी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिल्ड वाटर आपने ऐड करना है, ये भी डाल दें, चीनी और काला नमक, साथ ही साथ लेमन जूस, इनको ब्लेंड कर लें अच्छे से। ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब मैं इसको छान लूँगी, ये एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ग्रीन कलर आया है मिंट लीव्स को जो हमने ग्राइंड किया है, कितना अच्छा। मैदे के अमराज के लिए तो बेहतरीन है, पेट की गर्माइश को दूर करता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। पुदीने के बहुत सारे फ़वाद हैं, इस पर हम जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा रिफ्रेशिंग सा कूल कूल मिंट वाटर आ गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे, मैं आपको गाइड करती हूँ किस तरह से। आपने एक सर्विंग ग्लास लेना है, ये देखिए एक सर्विंग ग्लास लेके आपने ये जो हमारा पुदीने का पानी हमने बनाया है, इसमें डरमन रही, पहले हम ये ग्लास में ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग कूल कूल कर देगा आपके मैदे को और आपके खाने को मिनटों में हज़म कर देगा इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद कोई भी वाइट सोडा आप ऐड करें, स्प्राइट, 7 अप, कुछ भी है, जो भी वाइट कोल्ड ड्रिंक आप यूज़ करते हैं, ऊपर से हम ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा नींबू पुदीना ड्रिंक रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और ऐड कर दें, ये एकदम आपके खानों को हज़म करेगा इंशाल्लाह ताला। ईद के बाद वैसे भी बहुत ज़्यादा मैदे में बोझ रहता है, ख़ासकर जिनको मैदे का प्रॉब्लम रहता है, तो ऊपर से इस तरह से हम मिंट लीव्स ऐड कर देंगे, साथ ही साथ लेमन मैंने कट करके रखा है ये डाल देंगे इस तरीके से। और एक लेमन को हम ग्लास के साइड में कर देंगे। तो लीजिए, रेडी हो गया हमारा ज़बरदस्त सा नींबू पुदीना ड्रिंक, बहुत ज़बरदस्त, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरा ये नींबू पुदीना ड्रिंक की रेसिपी कैसी लगी है। एकदम हाजमेदार, आपने ज़रूर बनाना है, आप अंदर से रिफ़्रेश हो जाएंगे और एकदम से आपको कूलिंग इफ़ेक्ट देगा और एकदम आपके तमाम चीज़ों को हज़म कर देगा, जो भी आपके पेट में बोझल हो रहा है या जो भी मसले हैं पेट के, मैदे के, वो इंशाल्लाह ताला इसको पीने के बाद फटाफट से गायब हो जाएंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये नींबू पुदीना की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कितना ज़बरदस्त कलर आया, रिफ़्रेशिंग सा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।